बुधवार को नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इटारसी छोर पर 3 गोने पार्सल के अंदर 20 बंडल में कुल 42 किलो 480 ग्राम का गांजा मिला है, जिसकी कीमत कुल 4,24,800 रुपए बताई गई। 29 जुलाई को करीबन 5:30 बजे निरीक्षक आर जेम्स, उपनिरीक्षक एसपी सिंह, उपनिरीक्षक सचिन दलाल नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गश्त के दौरान इटारसी छोर पर रखे हुए पार्सल को चेक करने पर 3 गोनी पार्सल रखे हुए जिसमें तेज गन गांजे जैसी आ रही है। इन पार्सलों के बारे में वहां पर मौजूद ऑन ड्यूटी पार्सल क्लर्क से पूछा तो उसने बताया कि यह 3 पार्सल नागपुर का नहीं है, इनको रेलवे के प्राइवेट हमालों द्वारा गलती से ट्रेन नंबर 02805 से उतारा गया है। मौके पर सहायक सुरक्षा आयुक्त कोटा जोजी व पंचों के समक्ष नियमानुसार चेक करने पर 3 गोनियों में 42 किलो 480 ग्राम कीमत 4,24,800 रुपयों का माल जब्त किया गया। पंचनामे के तहत जब्त कर जिसे अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी नागपुर को सुपुर्द किया गया। मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ नागपुर रेलवे स्टेशन में कार्यरत हूँ। कल दिनांक को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर रेड के दौरान 2-3 गोनी लवारिस हालत में पाई गई, जिसको चेक करने पर उसमें गांजा प्राप्त हुआ, 40 किलो गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत 4,24,800 रुपये है, जिसको जब्त किया गया। उसकी जांच अभी उप निरीक्षक सचिन दलाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़ी के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।